हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। यहाँ पे आपको मैं सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ, एनसीएल एग्जाम के लिए क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर आपका कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, T2 upon T1 = V2 upon V1। तो यहाँ पे आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, बी आंसर हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, तीनों चार्ल्स लॉ और आपका बॉयल्स लॉ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन आपकी PV = mRT है। यहाँ पे एम और आर सेम ऑफ गैस गैस के लिए सेम होते हैं और एम आर को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो PV upon T = कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे P1 upon T1 = P2 V2 upon T2 हो जाएगा। बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे PV upon T में अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो PV = कांस्टेंट हो जाएगा। तो P1 V1 = P2 V2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बॉयल्स लॉ के लिए। चार्ल्स लॉ देखिए सेकंड नंबर पे, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो PV upon T कांस्टेंट में पी अगर कांस्टेंट रखेंगे तो हो जाएगा V upon T = कांस्टेंट। तो वी प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ये आपके बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ क्लियर हो गए। यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ हम गैलर्चाक लॉ में देखिए, यहाँ पे गैलर्चाक लॉ में हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे P upon T = कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू देखिए, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ मोटर कार इज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, मोटर कार के लिए पूछा गया है। यहाँ पे वैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन या आपका पेट्रोल इंजन के लिए पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, मोटर कार में आपका डलता है डीजल, तो डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा, वो होगा आपका 15:25। तो पेट्रोल इंजन के लिए क्या होता है, 6:10 होता है, डीजल इंजन के लिए होता है 15:25 और डुअल इंजन के लिए होता है 12:16। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरे का इसका आंसर हो जाएगा आपका ई आंसर। ठीक है, 16 हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का आपको यूनिट बताना है क्या होगा इसमें से, ए बी सी डी जो भी आंसर आपको बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, एंट्रोपी का होगा जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। तो एंट्रोपी होता क्या है, एंट्रोपी आपका फॉर्मूला होता है DS = DQ upon T। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो नॉन एज। आपको बताना टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कैपेसिटी, एंथैल्पी और थर्मल कंडक्टेंस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एंथैल्पी। तो एंथैल्पी आपका होता है H/U + PV, H = U + PV होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम को हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, PSU सेक्टर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा, पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब से हम मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन की जो स्पीड है वो हम इससे मेजर कर सकते हैं पिटोट ट्यूब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट इन। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क होगा आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो लिक्विड होगा, कोई भी लिक्विड होगा उसके उस केस में बात करेंगे, लिक्विड केस में तो वहाँ पर विस्कोसिटी आपकी घटेगी। ठीक है, आपका घटेगी वहाँ पर, और क्योंकि वहाँ पर द्रव आपको कोई भी द्रव है या लिक्विड है जो भी आपको गर्म करना है या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी उसका जो होगा वो पतला हो जाएगा, मतलब विस्कोसिटी आपकी घट जाएगी। और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो गैस के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि गैस होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर चिपक जाती है वो। ठीक है, तो विस्कोसिटी वहाँ पर बढ़ती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको क्लियर करना है क्वेश्चन को, तो आपको देखना है वीडियो मेरा 10 का दम जो है उसमें 10 क्वेश्चन मैं कराता हूँ मैं, लेकिन 10 क्वेश्चन में आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट, और डेप्थ में जाके हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, उसकी जो आपको देखना है तो उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गेज प्रेशर आपको बताना है। तो हमने देखिए पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है P absolute = P gauge + P ATM, यही तो पढ़ा है, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू होता है गेज प्रेशर प्लस एटीएम प्रेशर। तो यहाँ पे गेज प्रेशर आप हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा P absolute - P ATM। तो देखिए आपका जो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर देखिए बी आंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मोस्ट पॉपुलर फायरिंग ऑर्डर इन केस ऑफ 4 सिलेंडर इंजन आईसी इंजन इज। देखो आईसी इंजन में आपको 4 सिलेंडर इंजन के लिए आपको फायरिंग ऑर्डर बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ई आंसर 1342, ठीक है, ई आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ क्यू इज द हीट ट्रांसफर बिटवीन हॉट टेम्परेचर सोर्स एंड मशीन एंड क्यू टू बिटवीन कोल्ड टेम्परेचर सोर्स एंड मशीन, देन फॉर हीट पंप सी ओ पी विल बी इक्वल टू। आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताना है आपको पंप के केस में, ठीक है, हीट पंप के केस में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्यू वन अपन क्यू वन माइनस क्यू टू। पंप के केस में आपको डिजायर वर्क जो लेते हैं वो क्यू वन लेते हैं, क्यू वन अपन क्यू वन माइनस क्यू टू हो जाएगा। और आपको अगर रेफ्रिजरेटर का केस आपको करना हो तो रेफ्रिजरेटर केस में होगा क्यू टू अपन क्यू वन माइनस क्यू टू होगा, ठीक है, यहाँ पे के लिए। तो ए आंसर इसका हो जाएगा 9 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। आपको बताना डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है। तो ये तो सबने बड़ा होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रोटामीटर इज ए डिवाइस यूज टू मीजर। रोटामीटर क्या ही मीजरमेंट करता है आपको बताना है, एब्सोल्यूट प्रेशर, फ्लो, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या रोटेशन। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, फ्लो मीजरमेंट करता है या डिस्चार्ज मीजरमेंट करता है, ठीक है, रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो मीजरमेंट करता है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पीजोमीटर यूज टू मीजर। पीजोमीटर आपका क्या मीजरमेंट करता है वो आपको बताना है। देखिए प्रेशर इन पाइप ये तो आपका गलत हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपका बैरोमीटर यूज करता है, वेरी लो प्रेशर ये भी आपका गलत हो जाएगा, वेरी लो प्रेशर मैनोमीटर यूज से चेक करते हैं। देखिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ पाइप प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, आपको एक पिक्चर दे रखा होगा, इसमें पीजोमीटर आपका यूज़ होता है मॉडरेट प्रेशर के लिए, ओनली लिक्विड प्रेशर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको गैस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, और कैन मीजर बोथ गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ, ये ऑप्शन आपके राइट है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए, बैरोमीटर यूज टू मीजर। बैरोमीटर आपका क्या मीजरमेंट करता है वो आपको बताना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीजरमेंट करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिए, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप ऑफ यूनिफॉर्म इज डायमीटर विद विस्कस फ्लो इज इक्वल टू। देखिए आपको हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बताना है, ठीक है, जब डायमीटर आपका यूनिफॉर्म हो और विस्कस फ्लो के लिए, तो विस्कस फ्लो के लिए इसमें से आंसर हो जाएगा 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जनरल इक्वेशन इज, जनरल गैस इक्वेशन आपको बतानी है कौन सी होगी, पी इज इक्वल टू एन आर टी होता है या पी इज इक्वल टू एम आर टी होती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो देखिए जनरल गैस इक्वेशन आपका होता है पी इज इक्वल टू एम आर टी, और रियल गैस इक्वेशन होता है पी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखिए, ए फ्लूड इज सेट टू बी आइडियल। आइडियल फ्लूड होता है तब क्या क्या कंडीशन होती है, फ्लूड इनविस्कस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। तो ई आंसर हो जाएगा इसका इनविस्कस और इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सरफेस टेंशन हैज द यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन की आपको यूनिट बतानी है। तो सरफेस टेंशन होता है आपका फोर्स बाई लेंथ होता है, मतलब फोर्स न्यूटन पर मीटर होता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी आंसर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द ट्रू विच इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ई आंसर, सम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द सोप बबल्स इज वेयर सिग्मा इज इजकल टू सरफेस टेंशन डी डायमीटर। आपको प्रेशर इंटेंसिटी आपको बताना है सोप बबल के केस में। तो देखिए इसका आंसर होगा पी इजकल टू 8 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है, और लिक्विड जेट के लिए आपका होता है 2 सिग्मा अपॉन डी, और आपका ये एयर बबल के लिए होता है आपका 4 सिग्मा अपॉन डी। यहाँ पे क्लियर हुआ। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा पी इजकल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे 20 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल गैस फ्लो द रिलेशन, रियल गैस इक्वेशन आपको बतानी है इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पी वी इजकल टू एन आर टी, बी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए जनरल गैस इक्वेशन होता है पी वी इजकल टू एम आर टी होता है, और आपका रियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इजकल टू एन आर टी, बी आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।